स्टार्ट किया था बिल्कुल इंट्रोडक्शन, उसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज कि द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने वो इंट्रोडक्शन में किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसका मतलब है कि कार्बन से बनी हुई जो भी चीजें दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और फिर मैंने बताया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स. हम जो है वो यस सर, आपने कहा था कि ये जो आप नोट्स जो इस बोर्ड पे लिखते हैं वो आप हमें सेंड कर देंगे? हाँ, ये बोर्ड में सेंड कर देता हूँ. नहीं सर, मतलब क्लास के बाद नोट्स की तरह इसको आपने कहा था हमें सेंड कर दूंगा. नहीं, मैंने कहा था कि मैं बोर्ड सेंड कर दूंगा वो सर. तो वो बोर्ड पे सेव रहता है ये सब कुछ? हाँ ठीक है, ये बोर्ड पे हर वक्त होगा. ठीक है, अनलेस कोई एक महीने बाद बोर्ड डिलीट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, जस्ट वन सेकेंड, मैं तो फैन स्लो कर लो. अच्छा, ये बोर्ड पे सेव नहीं रहेगा बस एक मंथ तक. ठीक है. अच्छा, दिस वन कमिंग बैक, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी आपकी जितनी भी मैंने कहा था मेडिसिन और एग्रीकल्चर, मतलब इंसानों से लिविंग बींग्स से रिलेटेड कोई भी केमिस्ट्री होगी, मेडिसिन से लेके आपकी सारी मेडिकल फील्ड से कोई भी चीज रिलेटेड है, दैट्स दैट हैज टू डू विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और प्लस पर इवन आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एज वेल, तो वो सारे केमिकल्स ऑर्गेनिक ही होते हैं. फिर फॉसिल फ्यूल्स वगैरह उसी से बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सो वो दे आर आल्सो ऑर्गेनिक. फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि वाई इज कार्बन सो स्पेशल, तो मैंने कहा था कि कार्बन इज अ स्मॉल एटम, तो बॉन्ड्स बड़े अच्छे बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. जितने छोटे होंगे ना तो वो करीब करीब होंगे, तो वो अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड अच्छे बनेंगे. द अदर थिंग वाज कि कार्बन इज इन ग्रुप 4, तो कार्बन को ना 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए. तो कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स वो बहुत सारे बनाता है, बहुत कम एटम्स होते हैं जो 4 से ज्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं. सो इट मेक्स 4 बॉन्ड्स, एंड 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो आप अच्छे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो. मतलब अगर एक एटम जो है ना सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है जैसा क्लोरीन है, तो उससे आप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते. तो फॉर एग्जांपल एक मेश लाइक स्ट्रक्चर ह्यूमन स्किन बनानी है, तो ह्यूमन स्किन जो है दैट्स अ 3 डायमेंशनल थिंग, तो उसमें एटम्स जो है वो हर डायरेक्शन में बॉन्ड हुए होंगे, तो वो एक मेश सा बना होगा. तो कार्बन जो है ना दैट्स केपेबल ऑफ डूइंग दैट, कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बना रहा है, फिर अगला कार्बन फिर 4 बॉन्ड्स बना रहा है, उससे अगला कार्बन अगेन इट्स मेकिंग 4 बॉन्ड्स. तो यू गेट वेरी लार्ज कॉम्प्लिकेटेड structures based on carbon. Phir I told you one of the basics, very basics things. Yumna, ye clear hai sara pichla? Ji sir. Acha, phir maine kaha tha ki pehle main thoda sa na briefly ye covalent bonding discuss karni hai. कि कोवलेंट बॉन्डिंग के रूल्स क्या होते थे. ग्रुप 7 के ना 7 इलेक्ट्रॉन होते थे आउटर शेल में, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था, एक बॉन्ड बनाते थे. ग्रुप 6 सिमिलरली दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते थे, यूजली दे फॉर्म 2 बॉन्ड्स. जैसा ये ऑक्सीजन नहीं, उसने उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो पिंक में, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने उधर एक हाइड्रोजन को खींच के अपने साथ जोड़ लिया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से खींच के जोड़ लिया. ग्रुप 5 पे आओगे तो दे वुड नीड 3 electrons to complete the outer shell. और फिर finally group 4 पे आओगे तो they need 4 electrons to complete the outer shells. तो just one second, एक मैं margin सा draw कर लूँ ताकि ठीक है. अच्छा, now moving to the next thing, अभी हमने covalent bonding करनी है. तो पहली चीज थोड़ी सी समझनी है. अच्छा, मैं सारे एटम्स का ना लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, आधा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप
सिक्स और ग्रुप सेवन के जो एलिमेंट्स है ना वो मैं थोड़े से लिस्ट कर देता हूँ यहीं सामने, ताकि हमारे सामने ही रहे, हमें पता हो कि किस कौन से ग्रुप में कौन कौन है। ग्रुप फोर में कार्बन और बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं मोस्टली, लेकिन सबसे जो कॉमन है दैट्स कार्बन एंड सिलिकॉन। ग्रुप फाइव में दिस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नीचे और भी हैं। ग्रुप सिक्स में ऑक्सीजन एंड सल्फर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सेवन में यू हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, ये सबसे कॉमन है। तो इन्हीं को यूज करके ना अभी हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट टास्क कि वी नीड टू लर्न हाउ टू ड्रॉ करेक्ट। सर आप दोबारा से समझा सकते हैं? ये सर ये बस हम यहाँ से अनिशा हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे थे कि कोवलेंट बॉन्डिंग थोड़ी सी रिवाइज कर रहे थे कि कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि ग्रुप सेवन कितने बॉन्ड्स बनाता है, एक बनाता है, ठीक है, ये ग्रुप सेवन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसके पास सात इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही होते हैं, उसको उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अट्रैक्ट करता है और सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। वो उसका एग्जाम्पल भी किया था, एक और कर लेते हैं क्विकली के क्लोरीन का एटम है, तो क्लोरीन का जो एटम है उसके पास सात इलेक्ट्रॉन्स पहले ही हैं, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अगर किसी और नॉन मेटल के साथ बॉन्ड करेगा तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन खींच के अपने साथ शेयर करेगा, एक ही शेयरिंग चल रही होगी उसकी, ओनली वन बॉन्ड वुड बी फाउंड, ठीक है। अरीशा क्लियर है? जी सर। और फिर इसी तरह ग्रुप सिक्स था, ग्रुप सिक्स जो होता है वो उसके छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास आउटर शेल में, उसको दो चाहिए होते हैं, दो बॉन्ड बनाता है। तो हियर इज योर ग्रुप सिक्स, छह इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपने साथ जोड़ लिए। ग्रुप फाइव होता है, ग्रुप फाइव के पास फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीन उसे चाहिए होते हैं, एट की जगह होती है ना शेल में, तो तीन चाहिए होते हैं तो तीन बॉन्ड्स बना देता है, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच के अपने साथ अटैच कर लेता है। और इसी तरह ग्रुप फोर है कि ग्रुप फोर के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार और चाहिए होते हैं, मतलब ग्रुप फोर का अगर मैं ड्रॉ करूँ ना तो वही कार्बन की एग्जांपल है कि ग्रुप फोर में कार्बन होगा, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले से, उसको चाहिए लेट्स से हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? उसको चाहिए चार और इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पहले एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, उसको खींच के अपने साथ अटैच कर लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन उसे मिल गया, एक और हाइड्रोजन को वो पकड़ेगा, उसके भी एक इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने साथ वो कोवलेंट बॉन्डिंग शुरू कर देगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अभी और उसे कितने चाहिए? दो और चाहिए, तो दे वुड बी टू मोर हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ कार्बन को करें? वो मैं करता हूँ, किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये तो अभी मैंने सबसे सिंपल केस किया, हाइड्रोजन, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग आसान है। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे ना, तो रिशा ये क्लियर है? अभी हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे, ठीक है, अभी मैंने सबसे ठीक है। अच्छा, जब आप कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाते हैं ना तो थोड़ा सा मामला जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसा ये है, मैं उसका आसान वाला तरीका पहले थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, एक हम एग्जांपल कर लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड का कि फॉर एग्जांपल कार्बन जो है वो बॉन्ड कर रहा है उसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कार्बन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? एक, दो, तीन, चार, ठीक है, कार्बन हैज अ टोटल ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स, कितने शेयर करेगा? मतलब जितने उसे चाहिए उतने शेयर करेगा ना, उतने बॉन्ड्स बनाएगा ना, इसको कितने चाहिए? चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने शेयर करेगा। जैसा यहां पर भी देख लो कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे? चार, तो उसने शेयर कितने किए? चार। ये नाइट्रोजन को देख लो, नाइट्रोजन नीडेड थ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उतनी उसने शेयर किए, उतनी बॉन्ड्स बनाए। सही, मुझे समझ नहीं है कौन सी बात।
ये वाली एग्जांपल ना कि इससे उठ कर लेते हैं, पहले से ग्रुप सेवन वाला है, क्लोरीन है। क्लोरीन को यमुना कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक चाहिए। तो मुझे बताओ उससे कितने शेयर किए फिर इलेक्ट्रॉन्स? एक ही किया, मतलब एक उसने किया, एक हाइड्रोजन ने किया, मतलब हाइड्रोजन का एक खींच के उसने। तो ये रूल है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने ही वो शेयर करेगा। ग्रुप सिक्स वाले को देख लो, ग्रुप सिक्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे? दो चाहिए थे। तो उसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, वो जो पिंक वाले, मतलब एक हाइड्रोजन को खींच के इधर लगा दिया और एक हाइड्रोजन को खींच के इधर लगा दिया, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किए। और वही ग्रुप फाइव वाला है, वो तीन बॉन्ड्स बना रहा है, तीन शेयर कर रहा है, और इसी तरह फोर वाला। अच्छा तो यमुना ये क्लियर है जी। अच्छा फिर ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है ग्रुप सिक्स में होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास ना छह इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इसको क्रॉसेस में ड्रॉ करना चाहिए, तो इसको एक सेकेंड, सॉरी मिट गए, जस्ट वन सेकेंड। अच्छा सो ऑक्सीजन, उसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स पहले ही हैं, ठीक है। लेट्स से ये पिंक वाले इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ऑक्सीजन हैज वन टू थ्री फोर, ग्रुप सिक्स में फाइव एंड सिक्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसे चाहिए? उसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कितने शेयर करेगा? दो। अच्छा दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अच्छा अब यहाँ पे मसला हो गया कि इसको तो चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसने चार शेयर करने, बट दिस ओनली नीड्स टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इट ओनली नीड्स टू इलेक्ट्रॉन्स, इट वांट्स टू शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक इशू है, ये अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहे हैं। अब ये इशू सॉल्व किस तरह होगा, ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स, सर आप थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं? ठीक है, बाकियों को आवाज कम आ रही है? यमुना कम आ रही है? सही, यमुना की ऊंची आ रही थी आपकी, उससे कम आ रही है। अच्छा चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऊंचा बोलने की। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स रूल ये, तो हम थोड़ा कोवलेंट बॉन्डिंग रिवाइज करें। रूल ये कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज शेयर्ड इक्वली, ठीक है, हमेशा हमेशा इक्वल शेयरिंग होगी। मतलब इसको अगर दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो उससे चार इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं ले सकता, मतलब वो चार शेयर करना चाह रहा है कार्बन जो है। ऑक्सीजन को तो दो ही चाहिए ना, तो ऑक्सीजन तो उसके साथ दो ही शेयर कर सकता है। तो पहले तो ये हम कर लेते हैं कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना कंप्लीट करने के लिए? दो चाहिए। तो कार्बन जो होगा ना वो उसके साथ सिर्फ दो ही शेयर कर सकता है, इससे ज्यादा शेयर नहीं कर सकता। तो ये हम इलेक्ट्रॉन उठा के इधर लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को चाहिए, ऑक्सीजन को अपने आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, तो कार्बन भी उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन्स ही जाके शेयर करेगा, इससे ज्यादा शेयर कर ही नहीं सकता। ऑक्सीजन को इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही नहीं थे। तो अब मसला क्या हुआ कि ऑक्सीजन की जो शेयरिंग है ना वो कंप्लीट हो गई है, दैट्स डन। ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, कार्बन ने आके उसके साथ दो शेयर किए, ऑक्सीजन का मामला जो है ना खत्म हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन इज फाइन नाउ, ऑक्सीजन हैज इट्स एट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यमुना क्लियर है ये? जी सर। लेकिन मसला ये कि कार्बन को तो चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, कार्बन ने तो चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने थे, अभी उसने कितने शेयर किए? दो। तो इसका मतलब है कि कार्बन की शेयरिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, कार्बन ने मजीद दो और इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, लेकिन वो इसके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसका तो किस्सा खत्म हो गया। तो देयर हैज टू बी अनदर ऑक्सीजन, और वो जो ऑक्सीजन होगा ना वो भी छह इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, उसको भी दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, उसको भी शेयर करने दो इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इट वुड डू इज कि कार्बन अपने मजीद जो दो इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर करने थे उनको वो इस साइड पे लेके आएगा और वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और वो इनके साथ आके शेयर कर लेगा। अब कार्बन की ना चार इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है ना वो कंप्लीट हो गई है, दो उसने एक ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, टोटल उसे चार शेयर करने थे। तो व्हाट इट डिड वाज कि दो इलेक्ट्रॉन्स उसने एक ऑक्सीजन के साथ शेयर किए और दो इलेक्ट्रॉन्स उसने दूसरे के साथ जाके शेयर किए, और अब
उसकी टोटल शेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे, कार्बन ने चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, लेकिन एक एटम के साथ वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स इक्वल बेसिस पे शेयर करेगा, कि अगर ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था तो वो ऑक्सीजन के साथ दो ही शेयर करेगा, ये नहीं हो सकता कि इस ऑक्सीजन के साथ वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो यमुना ये क्लियर है, रिशा ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा लेकिन इसका इशू ये कि करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मतलब आप करते करते ही कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, इसको करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मतलब हर एटम के केस में इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू डू दिस। तो एक इसका शॉर्टकट है, एक पहले ना आप वर्किंग कर लेते हो, क्योंकि इसमें आपने फिगर आउट करना है कि जी कार्बन ने चार इलेक्ट्रॉन शेयर करने तो वो इधर क्या करे उधर क्या करे, तो आपको सोचना पड़ता है। तो बजाय इसके कि आप डायरेक्टली ये करो, द इजियर मेथड इज कि आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है, मतलब डायरेक्ट डॉटेड क्रॉस डायग्राम पे ना जाओ, वो बहुत मेसी हो जाएगा और वो बहुत मुश्किल भी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। शॉर्टकट ये कि हमें पता है, हम इसके ऊपर ना लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है, हमें पता है ग्रुप फोर कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, चार बॉन्ड्स, ग्रुप फाइव कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, तीन, तीन शेयर करता है ना, तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ग्रुप सिक्स नीड्स टू बॉन्ड्स एंड ग्रुप सेवन नीड्स वन इलेक्ट्रॉन, तो वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। अब हम इसका करेंगे क्या, इसका हम ये करेंगे कि हम स्टिक डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। स्टिक डायग्राम इस तरह होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ना, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, ये ऊपर कार्बन किस ग्रुप में, कार्बन ग्रुप फोर में, तो इसका क्या मतलब है कि वो चार बॉन्ड्स बनाता है, तो मैं ना इसके साथ ना चार डैश लगाऊंगा, मुझे पता है कि इसने ना चार बॉन्ड्स बनाने हैं, तो वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो अब मैं इस स्टिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कार्बन ने ना चार बॉन्ड्स बनाने ही बनाने हैं। अच्छा, फिर मुझे पता है कि जी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप सिक्स में है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ ग्रुप सिक्स में है, ऑक्सीजन बनाता है दो बॉन्ड्स, यानी ऑक्सीजन के साथ दो डैशेज होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं पहले सोचूंगा, मतलब डॉट एंड क्रॉस और वो सर्कल्स वगैरह बनाने वो बात की बात है, तो पहले तो मैं सोचूंगा कि इनको किस तरह मैं अरेंज करूँ, ऑक्सीजन की क्वांटिटी मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि कार्बन ने तो चार बॉन्ड्स बनाने हैं, ऑक्सीजन बेचारे ने तो सिर्फ दो बॉन्ड्स बनाने हैं, तो ये बात चल तो सकती नहीं है, तो मुझे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, तो मेरे पास कार्बन है और मेरे पास ऑक्सीजन है, अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, दो, ठीक है, और मतलब इसने चार बॉन्ड्स बनाने और इसने बनाने दो बॉन्ड्स, ये मैंने ऊपर ना वो पीरियोडिक टेबल से जो मैंने बनाया था आधा थोड़ा सा पार्शल उससे मैंने फिगर आउट कर लिया। इसका कितने डैश होने चाहिए, चार डैशेज, इसका कितने डैश होने चाहिए, दो डैशेज। पहला काम तो ये कर सकते हैं, इसने दो बॉन्ड्स बनाने ना, तो वो जाके दो डैशेज इसके साथ लगा दो, बन गए इसके दो बॉन्ड्स, बात खत्म, ठीक है। तो ये दो बॉन्ड्स इसने, इन दोनों ने मिलकर आपस में दो बॉन्ड्स बना लिए, ऑक्सीजन की कहानी तो खत्म होगी, ये वाले ऑक्सीजन की दो बॉन्ड्स बन गए। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड्स टोटल बनाने, चार, दो दो बना चुके हैं इस साइड पे, एक और ऑक्सीजन उठाओ उसको दूसरी साइड पे लगा दो, उसने भी दो बॉन्ड्स बनाने, तो आपका जो कार्बन होगा ना वो दो बॉन्ड्स जाके उसके साथ बना लेगा और इसके भी दो बॉन्ड्स हो गए, इसके टोटल चार बॉन्ड्स पूरे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपका, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, कि आप डॉट एंड क्रॉस के डायग्राम की तरफ बाद में जाओ, पहले ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लो कि कार्बन जो है ना वो दो बॉन्ड्स इस साइड पे बना रहा है, दो बॉन्ड्स इस साइड पे बना रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड्स बना रहा है, ये वाला ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड्स बना रहा है। कोई आसान वाला कर लेते हैं एग्जाम्पल, कि अगर लेट्स से एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि कार्बन और फ्लोरीन है, उनका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना है, तो पहले वो खोलो कि कार्बन है और फ्लोरीन है, दोनों की क्वांटिटीज में चेंज कर सकता हूं, वो ऊपर लिखा है ग्रुप फोर वाले जो होते हैं दे मेक फोर बॉन्ड्स, ठीक है, तो हमने इसके साथ ना चार डैशेस लगाने हैं, चार बॉन्ड्स इसको बनाने हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तीन डैश इकट्ठे हो, दैट्स नॉट एन इशू, कार्बन है चार बॉन्ड्स बनाने, लेकिन फ्लोरीन कितने बॉन्ड्स बना रहा है,
फ्लोरीन ऊपर जाके देखो, ये पीरियड ये जो मैंने लिखा हुआ है ग्रुप सेवन में फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है ना वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। अच्छा तो सबसे पहले तो फ्लोरीन का एक बॉन्ड कंप्लीट करो, उसने वो एक बॉन्ड जाके ना कार्बन के साथ बना दिया, बात खत्म, फ्लोरीन ठीक हो गया, फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाना था, ठीक है। ये क्लियर है रिशा, क्लियर है ये यहाँ तक? जी अच्छा अब मसला क्या है, कार्बन के बॉन्ड्स पूरे नहीं है, कार्बन ने अभी कितने बॉन्ड्स सर, बनाए? ब्यूटेन और फ्लोरीन ठीक है, तो आप फिर एक और फ्लोरीन बीच में डाल दो। अब उस फ्लोरीन ने भी एक ही बॉन्ड बनाना है, वो जाके लेट्स से कार्बन के साथ बना लेता है। अब कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए? दो हो गए, तो चार पूरे करने, फिर एक और फ्लोरीन बीच में ले आओ, ठीक है। तो कार्बन उसके साथ जाके भी एक बॉन्ड बना लेगा, फ्लोरीन ने तो एक ही बनाना है। और फिर रह गया कार्बन के तीन बॉन्ड्स पूरे हो गए, फिर बस आपने ये करना है कि एक और फ्लोरीन बीच में ऐड करो, तो कार्बन के चार बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। तो ये पहले आप ना उसको करने से पहले, एक सेकेंड ये मैं बंद कर दूं, ठीक है। अच्छा तो डायरेक्ट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने से पहले ना ये डायग्राम अगर बना लो तो, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम यही डायग्राम यूज कर रहे होंगे, डॉट एंड क्रॉस कोई नहीं बना रहा होगा, ठीक है। तो हम इसकी प्रैक्टिस अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि वी मेक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। अच्छा तो इससे ना आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ड्रॉ करना बड़ा आसान हो जाता है। अब करना क्या है, एक कार्बन बीच में डालो, ठीक है। तो एक सर्कल कार्बन का एटम जो है वो ये बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये डायग्राम क्या कह रहा है कि चार फ्लोरीन चारों साइडों पे होंगे, तो चार फ्लोरीन उठाओ और उनको, अच्छा उनको चारों साइडों पे अटैच करना शुरू कर दो, ठीक है। तो मैं ये जो मैंने स्टिक डायग्राम ड्रॉ किया ना, जिसको मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह रहा हूं, तो इसको देखते हुए मैं इसी को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अच्छा एक और फ्लोरीन और एक फ्लोरीन मैंने बॉटम पे डाल दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास चार फ्लोरीन हो गए, उनके बीच में बॉन्ड बन कितने रहे थे? सिंगल बॉन्ड बन रहा था ना, सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि बस एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो बस एक एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ, 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 ये चार बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। एग्जैक्टली जो मैंने डायग्राम बनाया था उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। और एक चीज बस एंड में कर लेना कि अगर इसको देख के डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओ ना, तो जस्ट मेक श्योर कि फ्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं, वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हमेशा ड्रॉ करना। फ्लोरीन याद रखना कि ग्रुप सेवन में होता है, तो उसके पास टोटल कितने होते हैं? सेवन वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में। तो इफ इट हैज सेवन वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर हम इस फ्लोरीन के ऊपर फोकस करें, तो इसने अभी शेयर कितने किए हैं? एक किया है ना, तो पीछे कितने रह गए? छह इलेक्ट्रॉन उसके बच गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसके आउटर शेल में टोटल सेवन थे ना। एक उसने बॉन्ड बना दिया और पीछे रह गए आपके पास, यू आर स्टिल लेफ्ट विद सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, और वो सारे फ्लोरीन्स का होगा कि इसके पास भी सेवन इलेक्ट्रॉन्स थे, एक उसने शेयर किया, तो पीछे रिमेनिंग कितने हो गए? सिक्स। फिर वही ये वाला फ्लोरीन है, वो भी उसके छह इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए होंगे जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे, और इसके भी छह इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बीच वाले कार्बन का भी सोच लो कि उसका तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? चार बनाए, तो इसका मतलब है चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो उसने टोटल चार बॉन्ड्स बनाए, उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो गए, पीछे कोई फारिग बचा हुआ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इज दिस क्लियर रिशा? क्लियर है बाकियों को भी? कश्यप इज दिस क्लियर? जी निम्बा सर, क्लियर? जी अच्छा तो जस्ट मेक श्योर कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम पे ना पहले जंप करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इस एक तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, बनाना मुश्किल होता है, गलती कर लो तो फिर उसको रब करो दोबारा बनाओ,
ये पहले अगर बन जाए ना तो दैट मेक्स थिंग्स अ लॉट इजियर. तो और आपने ना इस ये जो टेबल बना हुआ ना इधर, इसको फॉलो करना है कि ग्रुप फोर चार बॉन्ड्स बनाता है, ग्रुप फाइव थ्री बॉन्ड्स, ग्रुप सिक्स टू बॉन्ड्स, ग्रुप सेवन वन बॉन्ड. अच्छा स्लाइटली थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं कुछ, कि लेट्स से नाइट्रोजन को बीच में ले आते हैं. नाइट्रोजन मैं करता हूँ, अच्छा एक एक मैं करता हूँ एच, एच सी एन एक मॉलिक्यूल है ठीक है. मैं इसका ना स्ट्रक्चर और इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फिगर आउट करना है मैंने, और मैं देखना है कि क्या बनेगा इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. अच्छा इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन सिर्फ आपके पास ना एक ही है, कार्बन जो है ना वो सिर्फ एक ही है, और नाइट्रोजन भी सिर्फ एक है. क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते, जैसा पिछले केस में ना मैंने खुद ही अपनी मर्जी से फ्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ा दी थी. खैर इसका फॉर्मूला ये है. अच्छा इसमें वो जो ऊपर टेबल बनाया हुआ ना उसमें हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ, हाइड्रोजन याद रखना सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शेयर ही नहीं कर सकता, उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन. और हाइड्रोजन किसी ग्रुप में नहीं होता, हाइड्रोजन का याद रखना अलग से कि वो एक बॉन्ड बनाता है. अच्छा कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन बनाता है चार बॉन्ड्स. नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप फाइव में, तो ग्रुप फाइव वाला जो होता है उसको तीन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, वो तो वो बनाता है थ्री बॉन्ड्स. तो ये टेबल देख के ना, वो जो ऊपर टेबल है उसको देख के आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फिगर आउट कर लिए कि किसने कितने बनाने हैं. अब वो आपने फिगर आउट कर लिए, अब हम सोचते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. तो मैं रखता हूँ कि जी ये है मेरे पास एच, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास बल्कि डैश बाद में डालते हैं, और ये मेरे पास एन है. ये अरेंजमेंट मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, अभी तो मैंने वैसी लिख दी है. कितने बॉन्ड बनाने, एक. इससे कितने बनाने, चार. इससे कितने बनाने, तीन. अच्छा एच ने तो एक ही बॉन्ड बनाना है, तो चलो वो बनाए, एक बॉन्ड उसका बन गया, बात खत्म. ठीक है एच का काम कंप्लीट हो गया, उसका एक बॉन्ड बन गया. अब कार्बन ने मजीद कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, तीन. और नाइट्रोजन ने कितने बनाने हैं, उसने भी तीन बनाने हैं, तो वो तीनों आपस में बना लें, क्योंकि इसने भी तीन बनाने हैं, इसने भी तीन बनाने हैं, मतलब एक वो बना चुका है कार्बन जो है बीच वाला, वो एक इस साइड पे बना चुका है, तो चार टोटल बनाने थे ना, तो तीन रह गए थे, तीन और बनाने थे, और नाइट्रोजन ने भी तीन और बनाने थे. तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया. यमुना क्लियर है, अरीशा क्लियर है? जी सर, समझ आ गया। तो जी इसका, सर, अच्छा इसका आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बड़ा आसान होगा कि आप बस वो जो ऊपर बना हुआ है ना उसको फॉलो करो. तो ये उठाओ, तीन सर्कल्स लगाओ, तीन एटम्स हैं. हाइड्रोजन को थोड़ा छोटा ड्रॉ कर दिए. अच्छा तो आपके पास यू हैव एच सी एंड एन, तो एच और सी के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे. और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है तीन डैशेस लगे हुए, तो इसका मतलब है कि वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. अच्छा इसको मैं, तीन एटम है तो एक सिंबल ना मैं शेडेड सर्कल कर लेता हूँ ठीक है. तो बात खत्म, ये आपका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम होगा. बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है ना उनका ख्याल रखना, कि कार्बन के पास टोटल आउटर शेल में ग्रुप फोर में ना चार इलेक्ट्रॉन होते थे वेलेंस, बॉन्ड कितने बनाए उसने, चार. तीन इधर शेयर किए, तीन एक उस साइड पे शेयर किया, तो कार्बन का किस्सा तो खत्म हो गया, उसके पास बचा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ. हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो उसने शेयर कर दिया, तो उसकी भी कहानी खत्म, उसके पास बचा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ. नाइट्रोजन जो है ना वो ग्रुप फाइव में है, तो उसके पास जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो फाइव है, लेकिन उसने बॉन्ड्स कितने बनाए, बॉन्ड उसने तीन बनाए, यानी उसने अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, पांच इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास लेकिन उसने तीन शेयर किए, तो इसका मतलब है पांच में से सिर्फ तीन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो दो जो है वो बच गए, तो वो जो दो है ना उनको उनको ड्रॉ कर लो ठीक है. तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं ना वो हमेशा कैलकुलेट कर लेना कि किसके कितने रह गए. ये क्लियर है सारों को? जी सर। सर इसके रिलेटेड जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं कितने मार्क्स के? क्या इससे रिलेटेड? नहीं जी देखो वो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के तो दो तीन मार्क के क्वेश्चन वैसे ही आते हैं ना,
कोवलेंट के, बाकी स्ट्रक्चर्स अभी अभी तो हमने शुरू किया, अभी तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं की है, तो हम अभी पिस्ता ही रिवाइज कर रहे कि कोवलेंट मॉलिक्यूल बनता किस तरह। ठीक है चलो ठीक है, अब ठीक है टाइम भी हो गया, मेक श्योर के प्रेजेंट सारों ने लिख दिया, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पे? 9 लोग श्योर हैं, प्रेजेंट मेरा भी ख्याल इतने लिखे हुए हैं, सारे मेक श्योर के प्रेजेंट लिख दो। ठीक है ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।